हे गाइस, क्या आप भी लेना चाहते हैं एक स्मार्टफोन, वो भी गेमिंग के लिए, वो भी 20,000 के रेंज में? बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है कि 20,000 के रेंज में हम कौन सा गेमिंग स्मार्टफोन लें, वो भी सारे फीचर्स हमें मिलना चाहिए, बैटरी लाइफ अच्छी मिलनी चाहिए, डिस्प्ले मिलना चाहिए और उसका प्रोसेसर भी अच्छा मिलना चाहिए, सारे फीचर्स अच्छे मिलने चाहिए, तो ये गेमिंग के लिए बेस्ट स्मार्टफोन होता है। 3 स्मार्टफोन मैं बताऊँगा आपको लेना चाहिए, वो भी 20,000 के रेंज में। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना कि मेरा वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दे। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट मैंने स्मार्टफोन को रखा है जो 20,000 के रेंज में है, IQ G3, जो अभी लॉन्च हुआ है। जी हाँ, IQ G3, ये आपको 20,000 के रेंज में बहुत बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले आपको 6.58 इंच का डिस्प्ले मिलता है IPS LCD के साथ। इसके साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। बहुत पतले लेस बेजल्स है, जो कि बहुत पतला है किनारे का बेजल्स। इसके साथ आपको ड्रॉप नॉच कैमरा भी मिलता है। बैक साइड की बात करो तो आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, जो 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है 10x जूम के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है विथ LED फ्लैश के साथ। फ्रंट की बात करूँ तो आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। बैटरी लाइफ की बात करूँ तो 4400 mAh की बैटरी है, जो आपको पूरे दिन की बैकअप दे देगा। USB Type-C इसके साथ आपको चार्जिंग मिलता है। प्रोसेसर की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 768G का प्रोसेसर मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया है। ये 6GB प्लस 128GB के साथ 19,990 रुपये का पड़ता है और आपको 8GB प्लस 128GB रोम के साथ आपको 20,900 का पड़ता है, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो 20,000 में ये फ़ोन आता है। तो मैं सेकंड बात करता हूँ, सेकंड रैंक पे मैं फ़ोन रखा हूँ Realme 8 Pro। जी हाँ, Realme 8 Pro। तो इसके डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो आपको 6.4 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है विथ FHD प्लस एमुलेट डिस्प्ले मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है। इसमें आपको एमुलेट डिस्प्ले मिलता है, पहले वाले में आपको LCD डिस्प्ले मिलता था, और इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। लेफ्ट साइड आप इसमें देख सकते हो तो पंच होल कैमरा है। यहाँ पे आपको 1000 nits की ब्राइटनेस मिलती है, जो कि आप अगर धूप में भी यूज करते हो तो बहुत ज्यादा इसमें ब्राइटनेस दिखेगी। बैक साइड की बात करूँ तो इसमें आपको क्वाड कैमरा मिलता है, कि आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देता है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। फ्रंट साइड की बात करूँ तो आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। बैटरी की बात करूँ तो 4500 mAh की बैटरी मिलती है प्लस 50W का फास्ट चार्जिंग मिलता है। समझ सकते हो 1 डेज का बैकअप दे देगा और 50W का चार्जर जो है वो आपको 40 या 45 मिनट में आपको फुल चार्ज करके फ़ोन दे देगा। प्रोसेसर की बात करो तो क्वालकॉम ड्रैगन 720G का प्रोसेसर मिलता है, जो कि थोड़ा बहुत हाई और बहुत बढ़िया है। ये आपको गेमिंग में कोई लैग नहीं दिखेगा। तो ये भी आपको डुअल सिम के साथ आता है, जो कि आपको 6GB रैम प्लस 128GB 17,999 में पड़ता है और 8GB रैम प्लस 128GB रोम के साथ 19,999 में इसका प्राइस निकल कर आता है, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो ये फोन बहुत बढ़िया है। थर्ड नंबर पे मैं फोन रखा हूँ पोको X3 Pro। जी हाँ, पोको X3 Pro। इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.67 इंचेस का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जो कि आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है। इसमें आपको पंच होल कैमरा मिलेगा, जो मिडिल में मिलता है। इसके साथ भी आपको लेस बेजल्स मिलता है और इसमें सबसे अच्छी चीज है गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया है। बैक साइड की बात करूँ तो इसके कैमरे में, इसमें भी आपको क्वाड कैमरा मिलता है, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। फ्रंट में बात करूँ तो 20 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है। तो इसकी बैटरी की बात करूँ तो 5160 mAh की बैटरी मिलती है प्लस 33W के साथ फास्ट चार्जिंग, 1 दिन का बैकअप दे देगा और चार्जिंग की बात करूँ तो आपको 1 घंटे में फुल चार्ज करके आपको दे देगा। प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर मिलता है। जनरल बात करूँ तो इसमें आपको 6GB प्लस 128GB के साथ 18,999 रुपये में पड़ता है और 8GB प्लस 128GB के साथ
21,000 में पड़ता है। जी हाँ 21,000, तो मतलब मान लीजिए ओवरऑल 20,000 के रेंज में आया है। अगर 6GB रोम के साथ आप जाना चाहते हो 18,999 रुपये में ये फ़ोन पड़ जाएगा। इतना कुछ इस वीडियो में था। टॉप 3 स्मार्टफोन जो आप परचेस कर सकते हो गेमिंग के लिए और या तो कैमरे के लिए, ऐसा कुछ वीडियो था। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसा वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता हूँ। वीडियो को एंड करते हैं। ओके बाय।